आज हम आपको मसाले वाली गुड़ वाली बहुत ही स्वादिष्ट पूरा सर्दी का लुत्फ लेने वाली चाय बनाना बताएंगे। उसके लिए देखिए मैंने ये तैयारी कर रखी है। नमस्कार दोस्तों, कानपुर की रसोई में आज हम आपको बहुत ही लाजवाब अदरक वाली मसाले वाली चाय बनाना सिखाएंगे। आप लोगों ने होटलों में पी है, आपको बहुत पसंद आती है, आज हम आपको घर में ही बनाना बताते हैं। आराम से बनाइए और खूब उसका लुत्फ लीजिए। इसके लिए मैंने क्या किया है, अदरक का टुकड़ा मैंने कस के रख लिया है। हम अभी 2 कप चाय बनाएंगे और ये मैंने 2 लौंग, 2 इलायची और ये 6, आप 6 की जगह 4 भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हमने ये दालचीनी ली। आगे हम आपको पूरा मसाला बनाना सिखाएंगे। और ये मैंने गुड़ लिया हुआ है, आप चाहें तो मैंने ये रेडीमेड बाज़ार में मिलता है कच्चे गुड़ का ये बूरा, और मैंने ये केसर ली हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने 1 कप ये पानी चढ़ा दिया। देखिए हमारा पानी खौलने लगा है, ये देखिए आपको हम चक्री फूल बताना भूल गए थे, प्लीज़ सॉरी। ये आप पंसारी की दुकान में जाएंगे मसालों वालों में, उसके यहाँ मिल जाएगा। ये 1 डालना है, आपको ना मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। ये देखिए मैंने 2 इसको तोड़ के मैंने इलायची डाल दी, और ये मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा था उसको मैंने इसका चढ़ा दिया है। ये जो मसाला था उसको मैंने दरदरा कूट लिया है। इस मसाले को भी हम इसमें डाल देंगे। उबाल आ गया है, अब इसमें हमने डाल दी, ये हमने 1.5 चम्मच चाय की पत्ती डाली। आप इस चाय को बनाइए और पीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बिल्कुल आप लगेगा आप कहीं होटल में। अब ये हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। आप अभी भी चीनी या गुड़ जो भी डालें अभी नहीं डालिए, नहीं तो दूध का फटने का डर रहता है। इस तरीके का आपके पास नहीं है, ये हमने बाजार से रेडीमेड मंगाया हुआ, तो आप इस तरीके के जो गुड़ होता है आप उसको कद्दूकस करके इसको तैयार कर सकते हैं। इस ये गुड़ वाली चाय आप सर्दी में पीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन मेरे पास है इसलिए मैंने आपको जानकारी में दी। ये देखिए इसको हम बराबर चलाते रहेंगे। इसको पकाइए बहुत अच्छे से, तो इसके सारे फ्लेवर इसके आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से भी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाय भी आप जितना स्ट्रॉन्ग पीते हैं आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तैयार हो गई है, अब इसको हम कप में डालेंगे। अब देखिए ये मेरी चाय बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आपने कितनी ये लेनी है, क्योंकि चाय बनाने के बाद ही हम ये डालेंगे, नहीं तो दूध फट जाता है। अब आपको विदाउट शुगर लेनी है तो आप विदाउट शुगर लीजिए, हम लेंगे। और ये इसमें हमने अब इसको हम और अच्छा बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा केसर डाल देंगे। देखिए बनाना कितना सरल है और बहुत जल्दी बनती भी है। आप इसका अब लुत्फ लीजिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपको लगेगा कि हम होटल में बैठकर पी रहे हैं। आप बनाइए और पिलाइए
और सर्दी का पूरा लुत्फ लीजिए। आगे हम आपको पूरा मसाला भी बनाना सिखाएंगे, आप बना के स्टोर कर लीजिए और आप उसको जब बनानी हो आप डालिए, बार बार इसका तैयार करने का झंझट नहीं रहेगा। आप बनाइए और पीजिए और पिलाइए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपसे हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।